नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं रबड़ी। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये अमूल फुल क्रीम है। अब हम इसको, और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ज़रा सा पानी डालेंगे क्योंकि दूध बिना पानी के गैस पे गर्म नहीं करते। इसलिए आइए, ये लीजिए दोस्तों, ये हमने 1 लीटर दूध अपना गैस पर रख देते हैं इसे, और ये हमने, अब हम इसे उबाल आने तक गैस पे रखेंगे, फिर हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे। ये देखिए दूध कितने तेज मतलब उबल रहा है अच्छे से। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसमें जो भी मलाई आएगी उसको इसी में ही मिक्स करते जाएंगे। और ज़्यादा अगर आपको लगता है गैस तेज है और ये दूध उफनने को हो रहा है, बाहर निकल ना जाए, इसलिए थोड़ी धीमी भी कर सकते हैं गैस। आंच को थोड़ा कम कर दीजिए, इसको अच्छे से उबालना है और चलाते रहना है ताकि इसमें मलाई भी आती रहेगी। ये देखिए साइडों में जो मलाई आ रही है इसको हम चलाकर इसी में ही, ये देखिए सारी ये सारी मलाई इसी में ही मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि मलाई से ये और जल्दी गाढ़ी होती जाएगी रबड़ी हमारी। ये देखिए दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, अभी टाइम लगेगा इसमें। रबड़ी बनाने में 30-40 मिनट आराम से लग जाते हैं हमारे। अगर आपको जल्दी है और आपको डेली यूज़ में करना है रबड़ी को खानी है, तो इसमें आप ब्रेड को मिक्सी में ग्राइंड करके उसको मिक्स कर सकते हैं और उससे गाढ़ा कर सकते हैं इसको। अगर वैस पूजा वगैरह के लिए या व्रत में खानी है तो इसमें आप काजू का पेस्ट डाल सकते हैं, काजू को बारीक पीस कर, या तो पेस्ट डाल दीजिए या थोड़ा दरदरा पीस के इसमें डाल सकते हैं, दरदरा पीस के डाल सकते हैं काजू को इसमें, जिससे कि वो गाढ़े रबड़ी को गाढ़ा भी करेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अगर जल्दी नहीं है तो आप ऐसे आराम से इसको बनने दीजिए। धीरे धीरे गाढ़ा होने दीजिए, बस इसे चलाते रहें। इसे चलाते रहें चलाते रहें, ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, 70% इसको हमने पकाना रिड्यूस करना है, इतना गाढ़ा करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रबड़ी का दूध, इसमें एक बॉयल आ गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे और गैस को धीमी कर देंगे आँच को। ये देखिए अब हमने जो क्या करना है कि ये जो मलाई आती जाएगी इसको हमें इसी में मिक्स करते जाना है। आप इसको चाहें तो कढ़ाई में बना सकते हैं, कढ़ाई में ये और जल्दी बनेगा और जो भी मलाई आती जाएगी फटाफट इसको हमने साइडों से खुरच खुरच कर दूध में मिक्स करना है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं, इसमें हम तकरीबन 4 चम्मच, 4 बड़ी चम्मच चीनी डालूंगी मैं इसमें। आपको जितनी मीठी चाहिए उसके हिसाब से डाल सकते हैं आप, कम मीठी रखनी है तो आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। बड़ी चम्मच लेनी है हमने, ये देखिए टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। किलो दूध में, 1 लीटर दूध में 4 चम्मच बड़ी वाली डालूँगी चीनी की, और मैंने 1 पिंच इलायची पाउडर डाला है,
इसमें इलायची पाउडर और चीनी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने देंगे हम इसको। ऐसे से चलाते रहना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। इसमें अब हम थोड़े से पिस्ता और बादाम डाल देती हूँ। ये मैंने बादाम के फ्लेक्स काटे हुए और ये पिस्ते इनको डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। रबड़ी तैयार हो गई है। अगर आप इसमें चाहते हो केसर डालना तो केसर भी डाल सकते हो इसमें। ये रबड़ी बिल्कुल तैयार है, ये ठंडी हो जाएगी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी रबड़ी बनी हमारी, परफेक्ट मीठा है। आपको कम ज़्यादा जो करना है मीठा कर सकते हैं आप। ये ऊपर से हमने बादाम के फ्लेक्स लिए हैं, ये डाल देंगे और थोड़ा सा ये पिस्ता मैंने लिया है, पिस्ते क्योंकि पिस्ता रबड़ी में अच्छा लगता है। ये लीजिए हमारी रबड़ी पे रबड़ी तैयार है। इससे आप व्रत में खाइए, त्यौहार पे बना के खाइए या वैसे भी खा सकते हैं, जैसे मर्जी आप खाइए। बहुत ही टेस्टी रबड़ी बनी है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल यादव किचन। थैंक यू।